नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छी होंगे। तो आज मैं रेशमि विद्यांत फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी लेकर। तो उसको देखिए और एंजॉय कीजिए रेसिपी का। नमस्ते। तो आज मैं आपके सामने बंगाल की मोस्ट फेमस ट्रेडिशनल टमाटर की मीठी चटनी बनाने के लिए प्रस्तुत हूँ, जो कि खाने में बहुत ही यमी लगते हैं। लेकिन इसे मैं और भी यमी बनाने के लिए दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, जिससे इसके फ्लेवर में चार चांद लग जाएगा। इस चटनी को दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा जैसे पवित्र त्योहारों में भोग के लिए पूजा में चढ़ाया जाता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो जो कुछ भी मैं छोटे मोटे से टिप्स और ट्रिक्स दूंगी, उसे अच्छे तरीके से वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे तरीके से समझ ले। तो इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और मुझे अपने फीडबैक जरूर दें। रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आप कढ़ाई में सबसे पहले 1 टेबलस्पून के लगभग सरसों का तेल डालें और इसे गर्म कर लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि तेल भी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो आप फ्लेम को लो करके इसमें एक एक करके 1/2 टीस्पून पंचफोरन डालें। पंचफोरन बंगाली 5 स्पाइस मिक्सचर होता है। इसे मेथी, सरसों, सौंफ, जीरा, मंगरेल की सेम क्वांटिटी को मिक्स करके बनाया जाता है। तो अब एक खड़ा लाल मिर्च और एक तेज पत्ता डाले। फिर उसके बाद 8 से 10 करी पत्ता डाले। यही वो पहला सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, जिससे टमाटर की चटनी का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और साथ ही 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर डालें। यह हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हैं। तो अब इसे कुछ सेकंड चलाएं और फिर इसमें 250 ग्राम टमाटर को इस प्रकार से मीडियम टुकड़ों में काट कर डालें और साथ ही स्वाद अनुसार नमक डालें और अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए इसमें दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी डालें, वो है 1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक। तो इसको डालने से चटनी का फ्लेवर में चार चांद लग जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि इसे भी जरूर से डालें, क्योंकि इस चटनी के साथ अदरक और करी पत्ता, इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल से फिट बैठता है। तो अब इसे मिक्स करें और ढक ढक कर इसे पकाते रहें और इसे हर 2 मिनट में ढक्कन खोलकर चलाते भी रहना है। और इसे तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर बिल्कुल से कुक होके गल ना जाए। टमाटर को आप देख सकते हैं कि कुक होके बिल्कुल से मेल्ट से हो चुके हैं। तो अब इसे चलाएं और फिर इसमें अपने स्वाद के अनुसार शक्कर डालें, जितना आप मीठा पसंद करते हैं। शक्कर को फ्रेंड्स हमेशा टमाटर के बिल्कुल से कुक होने के बाद ही डालें। अगर पहले ही डाल देंगे तो टमाटर बिल्कुल से कुक नहीं होंगे, इस बात का खास ध्यान दें। तो अब इसमें एक एक करके 1/4 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें। इसे मैं सिर्फ कलर के लिए यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो फूड कलर का यूज कर सकते हैं। अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालें और 15 से 20 किशमिश डालें। 7 से 8 काजू को इस प्रकार से 2 हिस्सों में खोल दें। वैसे ड्राई फ्रूट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट्स को स्किप कर सकते हैं। तो अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें और 1/2 ग्लास पानी डालें और थोड़ा चलाएं और हाई फ्लेम में एक उबाल आने तक का इंतजार करें। तो उबाल आ चुका है, अब फ्लेम को लो करें और इसे अगेन चलाएं और लो फ्लेम में इसे उतनी देर तक पकाएं जितना आपको टमाटर की चटनी का थिकनेस चाहिए और बीच बीच में चटनी को चलाते भी रहें। तो अब आप देख सकते हैं कि चटनी बिल्कुल से थिक हो चुकी है। मुझे चटनी की इतनी ही थिकनेस चाहिए, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो अब इसे चलाएं और फ्लेम को ऑफ कर ठंडा होने के लिए छोड़ दें।
आप चाहे तो इस टाइम पंच फोरन को पीस कर इसका मसाला हाफ टी स्पून डाल सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, टमाटर की चटनी बिल्कुल से ठंडी हो चुकी है और ठंडी होके ये बिल्कुल से थिक हो चुकी है, आप देख ही सकते हैं। तो अब इसे थोड़ा चलाएं और फिर इसे एक बाउल में अब मैं सर्व कर ले रही हूँ। तो आपके सामने बहुत ही जबरदस्त बंगाल की मोस्ट पॉपुलर टमाटर की मीठी चटनी सर्व होके रेडी हो चुकी है। इसे आप खिचड़ी, प्लेन राइस या फिर पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।